बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, हर ग्रह के लिए और हर राशि के लिए एक विशेष बिंदु होता है और इसी बिंदु से वो राशि और वो ग्रह नियंत्रित होता है। इसको आप उस राशि की चाबी भी कह सकते हैं। इस बिंदु से संबंधित वस्तु को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे आपको विशेष फायदा होता है। इसको रखने से भाग्य मजबूत होता है और संघर्ष जीवन में कम होता है। लेकिन पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपकी राशि है उसका वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है और उस बिंदु से संबंधित वस्तु कौन सी है। जब उस वस्तु को आप अपने पास में रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं, तो इससे आपका भाग्य वर्धन होता है, भाग्य बढ़ता है और जीवन का जो संघर्ष है वो काफी हद तक कम हो जाता है। देखिए, जो वस्तुएं आपके लिए भाग्यवान हैं, अगर उन वस्तुओं को आप अपने पास रखते हैं तो किन सावधानियों का पालन करें। इन वस्तुओं को अपने पूजा स्थान पर या अपने काम करने की जगह पर रखना चाहिए और रखने के पहले इनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए, धूल न जमे, गंदगी न जमे, वस्तुओं को साफ रखिए और इनका स्थान बार बार मत बदलिए। एक बार अपने अपने काम करने की जगह पर मान लिया, वस्तु को रख दिया, तो उस जगह को बार बार बदलाव मत करिए। ऐसी वस्तुओं के को एक से दो वर्ष तक अपने साथ रखा जा सकता है, उसके बाद इस वस्तु को बदल देना चाहिए। इसके बाद इन्हें जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें और फिर नई वस्तु ला करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। लगभग इन चमत्कारी वस्तुओं का जो प्रभाव है वो लगभग एक वर्ष से लेकर के दो वर्ष तक बना रहता है। मेष राशि वालों को अपने पास एक तांबे का सूर्य रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों को सफेद रंग का एक शंख रखना चाहिए अपने पास। मिथुन राशि वालों को हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। कर्क राशि वालों को सफेद रंग की क्रिस्टल बॉल अपने पास रखनी चाहिए, कांच की। सिंह राशि वाले लाल कपड़े में दो चार तांबे के सिक्के बांध करके अपने पास रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि वालों को अपने पास कांसे की यानी ब्रॉन्ज की मूर्ति, किसी की भी मूर्ति हो, वो रखनी चाहिए। तुला राशि वालों को स्फटिक का, सफेद स्फटिक का श्रीयंत्र अपने पास रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को छोटा या बड़ा तांबे का लोटा या तांबे का कलश अपने पास रखना चाहिए। धनु राशि वालों को पीतल का सिक्का, एक हो, दो हो, तीन हो, पीतल के सिक्के अपने पास रखने चाहिए। मकर राशि वालों को अपने पास घोड़े की नाल रखना शुभ होगा। कुंभ राशि वालों को सुगंधित धूप बत्ती या लकड़ी की बनी हुई सुगंधित अगरबत्ती अपने पास रखनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मीन राशि वालों को कांच के पात्र में, कांच का लोटा हो, कटोरी हो, गिलास हो, शीशी हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अपने पास रखना चाहिए, वो इनके लिए शुभ रहेगा। देखिए, घर की जब आप सफाई करते हैं या धुलाई करते हैं तो सामान्य नमक जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उस पानी में मिला दीजिए और उससे घर की सफाई और धुलाई करिए। ऐसा करने से घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाएगी। घर के प्रत्येक कमरे में सुबह के समय शंख बजाइए, घर में शुभता आएगी, या घर के बीचों बीच में खड़े होकर शंख बजाइए ताकि हर कमरे में उसकी ध्वनि जा सके। चावल जब आप बनाते हैं तो उसमें इलायची के दाने या तुलसी के पत्ते डालिए। ऐसा करने से कभी भी अन्न का या भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। अगर बत्ती या सुगंधित धूप बत्ती आप जलाते हैं तो ये घर के कोने में या पूजा स्थान के कोने में जलाएं। बेहतर होगा कि अगर बत्ती जलाने के बाद पलंग के नीचे रख दी जाए,
उससे धुआं जो है वो जल्दी ऊपर चला जाता है, लेकिन जो खुशबू है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक दूर रहती है।